मंत्री दुस्साहस किया मोदी ने जेल में डालने की, लेकिन जेल में उनको रोक नहीं पाए। आज जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मंच पर मौजूद एनसीपी के, शिवसेना के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, साथियों और दोस्तों, जब हम लोग आए तो यहां पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही शिक्षा दी है, एक ही संदेश दिया है, गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को। और क्या किया यहां पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया? हमने सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्टी चोर है, पार्टी चुरा ली। शिवसेना की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। ये जितने घड़ी चोर और तीर कमान के चोर हैं, इनको शिवाजी महाराज का संदेश समझा देना और इनको चुनाव में जमानतें जब्त करके बताना कि महाराष्ट्र में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की और ये जो शिवसेना इनकी आने वाली नहीं है। आज शिंदे साहब की शिवसेना के लिए मजाक उड़ता है, विधानसभा में नारे लगते हैं, 50 खोके एकदम ओके। भारतीय खोखा पार्टी है ये लोग, भारतीय खोखा पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग चुनाव के चरण में लगातार हारते जा रहे हैं, इसलिए उनका अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है। शरद पवार जी को भटकती आत्मा कहते हैं, उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहते हैं। मरने की कामना कर रहे हैं शरद पवार की, जिनकी उम्र 84 साल है, अपने वोट की ताकत से जवाब देना कि शरद पवार का, एनसीपी का, महाराष्ट्र का, मराठी लोगों की कितनी ताकत है। हम तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे और एनसीपी की ताकत बताने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की ताकत बताने का काम करेंगे। मैं यहां पर इसलिए भी आया कि पूरा भिवंडी का इलाका यूपी के लोगों से, बिहार के लोगों से भरा पड़ा है। कितना जने सुल्तानपुर वाले यहां भाई, यहां आधा सब जने ना, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, आ ना सब जने, हाथ उठाए बताओ सब जने, किसको जिताना है, किसको जिताना है? मामा को जिताना है, सुरेश भाई को जिताना है। यहां से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी दिया 2014 से? क्या गारंटी दी? अच्छा, इसके बाद मुझे मुमरा की सभा में जाना था, मैं नहीं जा पा रहा हूं। जितेंद्र अवार्ड जी से माफी चाहता हूं। आप सब लोग मुमरा की सभा में पहुंचिएगा और वहां मसाल है, मसाल पे वोट दीजिएगा उस लोकसभा क्षेत्र में। यह भी आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है। 2014 से मोदी जी ने जितने वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं किए। पहले कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। फिर बोले महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। फिर बोले काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोला। फिर बोले 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। नारा देते हैं 400 पार। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार।
वहां आई 73 सीट। आए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब करें 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता करे तड़ी पार, करना है कि नहीं करना है? इनको करना है ना। ये बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जेल में डाल दिया इनको, मुझे 6 महीना जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येन जैन को जेल में डाल दिया। अरे केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हो? जितनी भी कोशिश करोगे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अब केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल रहे हो? केजरीवाल तुम्हारी जेल से डरने वाले नहीं है। दिल्ली के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस देश का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जेल से डरे बगैर लड़ेंगे और आपको हराने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अंत में यह चुनाव याद रखना, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव वोट की ताकत बचाने का चुनाव है। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं, उनकी राजनीति को खत्म कर देना, उनको जीरो पे पहुंचाने का काम करना। अंत में इन लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह साहब, और जिनकी जिनके वक्तव्य को सुनने के लिए हम भिवंडी कर बेकरार हैं। और दिल्ली की मोदी जी की सरकार जिनको डरती है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मान्य केजरीवाल साहब को विनती है कि अपनी बात रखें। वहां सर, वहां से केजरीवाल साहब आगे बढ़ो। भिवंडी की जनता को विनती की हाथ ऊपर खड़े करके तालियों से केजरीवाल साहब का इस्तकबाल करें। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद देश के बहुत ही सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले ताई, मंच पे मौजूद इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं, आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है, मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में, जेल से सीधा यहीं आ रहा हूं। अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने, यह करिश्मा था, चमत्कार था, ऊपर वाले का चमत्कार था। जो जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं, ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं,
जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। मैं दिल्ली में एक दिन रोड शो कर रहा था, निकलने के बाद तो एक महिला कहती है, सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे एक एक पल एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा, मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में पंजाब में, ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो, ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा, मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 500,000 हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, ये तो छोटी सोच। और विडंबना देखो, मैंने दिल्ली में सब लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सबको फ्री दवाइयां, सारी फ्री दवाइयां मिलती है। लेकिन जब मैं जेल गया, 15 दिन तक इन्होंने जेल के अंदर मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, बहुत हाई शुगर रहती है मेरे, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है रोज, 4 बार इंजेक्शन लगता है रोज मेरे को, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं मैं। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया। मैं कहता रहा मेरी 300 शुगर, 350 शुगर हो गई। अगर कई दिन तक लगातार ज्यादा शुगर रहे तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जब विपक्षी लोगों को, विरोधियों को जेल में डाल को उनको शारीरिक तौर पे खत्म कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे। ये मेरे को इसलिए इन्होंने जेल में भेजा क्योंकि दिल्ली में मैंने सबकी बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे फ्री कर दी, अब दिल्ली में सबको फ्री बिजली मिलती है। मोदी जी आप तो इतने बड़े नेता हैं, इतने ताकतवर नेता हैं, मैंने दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली करी, आप पूरे देश में फ्री बिजली करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को जेल में डाल के दिल्ली की बिजली फ्री रोकना चाहते हो, ये तो कोई बड़प्पन नहीं है दोस्त, ये तो छोटी मानसिकता है। ये तो इस वक्त देश के अंदर जो हालात है बहुत खतरनाक है। रशिया का राष्ट्रपति पुतिन है, आप जानते होंगे, पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे या तो सबको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। पुतिन को 87% वोट मिले। बांग्लादेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेख हसीना जीत गए। पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव हुए,
इमरान खान जो वहां के सबसे बड़े नेता, उनको जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया, उनका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कर रहा है और जीत गए। मोदी जी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीख के यही काम अब देश के अंदर, भारत के अंदर करना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे सीखा करते थे, आज मोदी जी बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीख रहे हैं। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया और अब कह रहे हैं दिल्ली में जीत जाऊंगा, फिर भी नहीं जीतने जाएंगे, मेरे को जेल में रख लेते तब भी हार जाते मोदी जी। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करना चाहते हैं। शिवसेना को चोरी कर लिया, जो अभी संजय सिंह ने कहा, शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए, एनसीपी के दो टुकड़े कर दिए, ममता दीदी के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, स्टालिन के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार। ऐसे चुनाव लड़ोगे और जीतोगे? ये तो कायर आदमी करता है, कायर है मोदी जी। अरे बहादुर हो तो आंख में आंख मिला के चुनाव लड़ो ना, सीधे सीना चौड़ा करके चुनाव लड़के दिखाओ, ये तो कायरों की निशानी है। इस तरह तो देश के जनतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं दोस्त। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था, उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो। जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगले साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे बीजेपी के नेता चढ़ गए, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो इस साल जो वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी, वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आपके घर के आसपास जितने बीजेपी वाले रहते हैं, जितने बीजेपी के समर्थक रहते हैं, सबको बोल देना सोच के जाना जब वोट डालने जाओ, मोदी के लिए वोट नहीं पड़ रहा। अमित शाह का आंख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं, जब बटन दबाओ आंख बंद कर लेना, अमित शाह की तस्वीर लेके आना कि अमित शाह को बनाना है क्या प्रधानमंत्री। तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में जितने रुकावटें थी, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा, जितने नेता थे सबको खत्म कर दिया, एक ही नेता बचा है योगी आदित्यनाथ। 2 महीने के अंदर उसको हटाने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। जब मैंने ऐसा बोला, एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया, बीजेपी के किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटा रहे, इसका मतलब हटा रहे हैं, इसका मतलब हटा रहे हैं, साबित हो गया कि हटा रहे हैं। कल मैंने देखा योगी जी मेरे को गालियां दे रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे को गाली देने से क्या होगा, अपने वालों को सलट लो, अपनी बीजेपी को सलट लो। दोस्तों एक एक करके ये सारे नेताओं को खत्म कर रहे हैं। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है, अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होगी, शरद पवार भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे भी जेल में होंगे और आदित्य ठाकरे भी जेल में होंगे। यस, मैं आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है सर, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े दिन रह गए, किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है। और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी,
उन्होंने शरद पवार साहब को कहा भटकती आत्मा। ये कोई इतने सीनियर आदमी है, 84 साल के बुजुर्ग हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, 10 साल सीनियर है उनसे, ऐसे किसी बुजुर्ग को कहना ठीक है क्या? प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अच्छी लगती है? उनको कहते हैं नकली शिवसेना, नकली संतान, ये अच्छी लगती है? ये तो पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुष की बेइज्जती का सवाल है। इस बार जब जाओ तो बटन दबा के उनको इस गाली का जवाब देना जब वोट डालने के लिए जाओ। यहां के कैंडिडेट हैं बाले मामा, उनको रिकॉर्ड जीत आप लोगों को दिलवानी है, ज्यादा से ज्यादा वोट देके बटन दबा के उनका आप उनको वोट देना, रिकॉर्ड मार्जिन से उनको जिताना। लेकिन मैं आज महाराष्ट्र में उनके लिए तो वोट मांग ही रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में आज आया हूं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए। एनसीपी का चुनाव चिन्ह, ये तुतारी बजाने वाला आदमी है, इसका खूब प्रचार करना है। मैंने सोशल मीडिया पे एक आदमी को देखा था, मैं बहुत चिंतित हो गया उसको देख के। वो आदमी कह रहा था जब वो वोट देके बाहर निकला, उससे किसी मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया, बोला शरद पवार को, बोलो क्या निशान, बोला घड़ी। ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों के अंदर। आपको प्रचार करना है अपनी गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, सबको बोल देना कि असली वाली एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह अब घड़ी नहीं है, घड़ी पे मत डाल देना। असली वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तुतारी वाला आदमी। तुतारी वाले आदमी को वोट डालना है और ज्यादा से ज्यादा वोट देके मामा को जिताना है। मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं, 2 तारीख को मुझे जेल वापस जाना है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे, मैं जेल की सेल से नतीजे देख रहा हूंगा टीवी पे। पिछली बार महाराष्ट्र की 48 सीट में से 42 एनडीए गठबंधन को, मोदी जी के गठबंधन को मिली थी, इस बार 48 में से 42 इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन को दी, मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा और मुझे लगेगा आज महाराष्ट्र आना मेरा सार्थक हो गया। आप लोगों ने आज इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद पवार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रिया दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। भारत माता की, केजरीवाल साहब की, शरद पवार के लिए आप सब लोग बेकरार हैं। हिंदुस्तान के सुपुत्र, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दिलों की धड़कन सम्मानीय शरद चंद्र पवार साहब। सभी साथी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असलेले आपण बंधुभगिनी, देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्यासाठी आज मोठ्या संख्येने नेत्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण एकत्रित आलो। ही निवडणूक नेहमीच्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी निवडणूक आहे। या निवडणुकीमधून उद्या तुमचं माझं भवितव्य काय याचा निर्णय व्हायचा आहे, आणि सिंचेची स्थिती ही आहे की ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे किंवा सगळ्यांना अधिकार दिले। आज नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकारी ठिकठिकाणी सांगतायत की आम्हाला 400 पेक्षा अधिक जागा हव्या आहेत। का?
तो यह देशाची घटना आम्हाला बदलायची कर्नाटकमधल्या त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीर भरणाजी सांगितलं की आम्हाला घटना बदलायची दिल्लीचा उत्तर प्रदेशचा त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीर भरणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची राजस्थान मधली त्यांची एक भगिनी तिने जाहीर भरणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे आणि त्यासाठी मात्र ही मोदींना द्यायचे ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो अधिकार आपल्याला दिला तो संकटात जाईल त्या दिवशी या देशाच्या तुमच्यासारख्या कोट्यवधी लोकांचा अधिकाराचं अस्तित्व हे नष्ट होईल आणि या देशामध्ये हुकूमशाही मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल आणि हे जर चालायचं असेल तर त्यांचा समर्थक भरावं करणं हे गरजेचं आहे. आज या देशाचा या राज्याचा शेतकरी संकटात आहे, कष्टकरी कामगार संकटात आहे, अल्पसंख्याकांची स्थिती आणखीन अवघड करून दिलेली आहे. देशाचा प्रधानमंत्री जाहीर भरणाने सांगतो की या देशामध्ये ज्यांच्या घरात मुलं अधिक आहेत